चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं कार्डियो, किसकी कार्डियो भाई, मॉसबी की कार्डियोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं हम, और हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नर्स ऑब्जर्व द कार्डियक मॉनिटर ऑफ अ क्लाइंट हु हैड पेसमेकर इंसर्टेड। किसी व्यक्ति के कार्डियक मॉनिटर देखा जा रहा है जिसके अंदर इंसर्ट किया गया है पेसमेकर। अब उस जगह पर एक्स का चिन्ह बनाएं जहां पर आपको लग रहा है एक्स ऑन द रिदमिक स्ट्रिप वेयर देर इज एविडेंस ऑफ पेस मेकर फंक्शन। आप उस जगह पर एक्स बनाएं इस डायग्राम में जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पर पेस मेकर अपना फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये जो स्पाइक है ना बच्चे, ये स्पाइक बताता है फंक्शनिंग ऑफ पेस मेकर। तो यहां पर मैं एक्स बना देता हूं। तो कभी भी याद रखना, जो हल्की सी स्पाइक होती है ना इस तरीके से, वो बताती है पेस मेकर के फंक्शन को, पेस मेकर को। ठीक है, और उसके बाद फिर QRS आता है। इसके बाद क्या आता है, QRS। तो पहले पेस मेकर की स्पाइक आएगी, उसके बाद QRS आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो ध्यान रखिएगा, वो बोलेगा पेस मेकर है, बताइए एक्स बना के बताइए कहाँ पर पेस मेकर की वजह से वेव बन रही है। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेव है ये पेस मेकर की वजह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, अ नर्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिसरिदमिया ऑन अ क्लाइंट कार्डिक मॉनिटर। ये देखा नर्स ने, व्हाट रिदम डज द नर्स आइडेंटिफाई, ये कौन सी रिदम है। इसके लिए मैं आपको रिदम ECG स्टेप्स में देखना सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक बार जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। आप अभी जो सामने देख रहे हो ना, ये एट्रियल फ्लटर है। देखो इसमें क्या वेंट्रिकुलर यानी QRS कॉम्प्लेक्स में कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं, QRS कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है। दिक्कत का है जो पी वेव है वो देखिए इस तरीके से बन रही है, जैसे कि आरी के दांत हो, इसीलिए इसे कहा जाता है सॉ टूथ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सॉ टूथ अपीयरेंस आपको किस में देखने को मिलेगी, उत्तर जाएगा एट्रियल फ्लटर। ध्यान से देख लीजिए, पी वेव आरी के दांत की तरह हो रही है, उसे कहते हैं एट्रियल फ्लटर, जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन अलग होता है। देखिए अब क्या आरी के दांत की तरह है क्या, नहीं, बिल्कुल छोटे पी वेव दिख रहे हैं आपको, छोटे पी वेव दिख रहे हैं। QRS अभी भी बढ़िया है, QRS अभी भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये QRS है, लेकिन पी वेव को देखो कैसी हो चुकी है छोटी। तो इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम आपको देगा और बोलेगा कि ये कौन सी कंडीशन है, जब पी वेव छोटी हो जाए तो एट्रियल फिब्रिलेशन, जबकि जब पी वेव आरी के दांत की तरह बड़ी सी हो उसे कहते हैं एट्रियल फ्लटर। अब यही दोनों कंडीशन में वेंट्रिकल्स में आपको दिखाता हूँ। अब पहला देखो बच्चे, वेंट्रिकुलर फ्लटर देखो, बीच वाला वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। वेंट्रिकुलर फ्लटर में आपको पी वेव कहीं नज़र ही नहीं आएगी, तो समझ जाना ही वेंट्रिकुलर से रिलेटेड दिक्कत है। और वेंट्रिकुलर फ्लटर में आपको QRS इस तरीके से बड़ी QRS दिखेंगी, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर। जैसे एट्रियल फ्लटर में बड़ी पी वेव दिख रही थी ना सॉ टूथ, उसी तरीके से वेंट्रिकुलर फ्लटर में QRS कॉम्प्लेक्स आपको बड़ी मिलेंगी, जबकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव को आप नहीं पहचान पा रहे थे, छोटी पी वेव थी, उसी तरीके से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी जो QRS वेव है वो ऐसी दिखने लगेंगी आपको, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सी पी है, कौन सी क्यू है, कौन सी आर है, कौन सी एस है। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो चार ही कंडीशन वो आपसे पूछेगा, या तो वो आपको दिखाएगा एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फ्लटर या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, चारों के डायग्राम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एग्जाम्पल है, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, उत्तर क्या जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आंसर क्या जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखिए ध्यान से देखिए इस तरीके से, अगर ये ऐसे होता तो ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर फ्लटर, लेकिन ये कैसे है, ये बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा सा इस तरीके से है,
तो ये क्या है बच्चे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, इन एडिशन, प्रश्न नंबर 63, इन एडिशन टू एट्रियल फिब्रिलेशन व्हाट वेंट्रिकुलर रिदम एग्जिबिटेड बाय अ क्लाइंट डज द नर्स डिटरमाइन बाय मे बी कन्वर्टेड टू साइनस रिदम बाय कार्डियोवर्जन। मरीज को क्या हो रहा है, डिसरिदमियाज हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन, और इनमें से क्या मरीज को वेंट्रिकुलर रिदम को नॉर्मल करने के लिए कार्डियोवर्जन का यूज़ किया जा रहा है। तो कार्डियोवर्जन से आप क्या क्या चीज़ें नॉर्मल कर सकते हो, साइनस रिदम में लेके आ सकते हो। अगर किसी मरीज को डिसरिदमिया हो रहा है तो कार्डियोवर्जन की मदद से आप कौन सी दो, या एक्चुअल में कहूँ तो ऐसी कौन सी तीन कंडीशन है जिसमें आप कार्डियोवर्जन की मदद से उसको नॉर्मल कर सकते हो। तो याद रखना बच्चे, पहला नाम आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। कभी भी अगर किसी मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो उस मरीज को कार्डियोवर्जन दिया जाता है। कार्डियोवर्जन हमेशा आर वेव पे दिया जाता है, आर वेव पे। तो हमेशा अगर मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन है तो क्या दिया जाएगा, कार्डियोवर्जन। अगर मरीज को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी वेंट्रिकल्स की जो रेट है वो बढ़ चुकी है कंडक्शन की, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, लेकिन याद रखना विद पल्स, और पल्स प्रेजेंट है व्यक्ति में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स, तो हम मरीज में क्या करते हैं, कार्डियोवर्जन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या करते हैं, कार्डियोवर्जन। सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इसमें भी हम कार्डियोवर्जन करते हैं। तो कार्डियोवर्जन तीन जगह पे करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विद पल्स एंड सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसी तरीके से एक फेमस क्वेश्चन है कि भाई आप कार्डियोवर्जन तो हो गया, आप डीफिब्रिलेशन कब दोगे, तो डीफिब्रिलेशन दो ही कंडीशन में दी जाती हैं, या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विदाउट पल्स। पल्स के बिना अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो डिफिब्रिलेशन, जबकि पल्स के साथ अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है तो कार्डियोवर्जन, यही से क्वेश्चन पूछता है वो। और दूसरा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डिफिब्रिलेशन करते हैं जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन में कार्डियोवर्जन करते हैं। आपको घुमा फिरा के इन्हीं पॉइंट्स के बीच में कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़े, याद रख लेना, नोट्स बना लेना, लिख लेना, तीन कंडीशन में कार्डियोवर्जन करते हैं जबकि दो कंडीशन में डीफैब करते हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैड परमानेंट फिक्स्ड पेसमेकर इंसर्टेड। बच्चे याद रखना, परमानेंट फिक्स्ड या फिर एसिंक्रोनस पेसमेकर डाला गया है व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति को क्या सलाह देंगे। अब किसी के अंदर पेसमेकर डाला गया है तो क्यों डाला गया होगा, उसकी हार्ट रेट को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी पल्स को नॉर्मल रखने के लिए, है ना, डिसरिदमिया से प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर किसी के अंदर पेसमेकर डाला गया है तो सिंपल सी बात है, मरीज को आप बोलोगे कि अपने पूरे दिन का पल्स रिकॉर्ड करना, यही सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो परमानेंट पेसमेकर होते हैं ना, एसिंक्रोनस यानी ये आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, एसिंक्रोनस आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, इनमें पहले से प्रीफिक्स्ड होता है, जैसे 72 बीट पर मिनट एडजस्ट कर दिया आपने तो वो आपको 72 बीट पर मिनट ही डिलीवर करेंगे पेसमेकर। ये आपके हिसाब से, यानी आपकी बॉडी में अगर हार्ट रेट घटेगी बढ़ेगी उस हिसाब से नहीं चलते, पहले से ही फिक्स करके इनकी जो रेट है वो बॉडी में इंसर्ट की जाती है। तो अगर किसी मरीज को परमानेंट पेसमेकर लगाया गया है तो उस मरीज को बोलेंगे अपना पूरे दिन अपना पल्स चेक करते रहें। ठीक है, 64,
पेसमेकर इज सेट टू प्री डिटरमाइंड रेट, इफ पल्स रेट इज मोर और लेस देन द प्री सेट रेट द पेसमेकर मे बी माल फंक्शनिंग। तो इसको हम पहले से ही प्री फिक्स करके डालते हैं भाई 72 बीट पर मिनट। अब अगर मरीज ने अपना पूरे दिन का रिकॉर्ड किया और पाया कि उसका तो 68 बीट पर मिनट भी हुआ है दिन में या 60 बीट पर मिनट हुआ है, तो हम कहेंगे इसका मतलब जो पेसमेकर है वो माल फंक्शन है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने तो उसे 72 बीट पर मिनट में फिक्स करके अंदर इंस्टॉल किया है, समझ रहे हो। जबकि इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे इसी का उल्टा। देखो क्या है, इसी का उल्टा होता है, व्हाट असेसमेंट ऑफ द पल्स शुड द नर्स आइडेंटिफाई व्हेन अ क्लाइंट ऑन डिमांड। ऑन डिमांड पेसमेकर में पहले से फिक्स करके नहीं डालते हम, ऑन डिमांड होता है आपकी बॉडी के अंदर पेसमेकर डाला जाता है, और जब आपकी बॉडी का हार्ट रेट एक तय सीमा से नीचे जाता है तभी वो आपको इम्पल्सेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस क्या है, आपकी बॉडी पे निर्भर नहीं करता है, बाहर से ही प्री डिटरमाइंड रेट से आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, उतना ही वो आपको डिलीवर करेगा। और ऑन डिमांड क्या होता है, ये बॉडी को देखता है पहले, बॉडी में तय अगर हार्ट रेट बीट पर मिनट से कम अगर हार्ट रेट गई तब वो आपको क्या करेगा, इम्पल्स देगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑन डिमांड पेसमेकर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, एटलीस्ट एट द डिमांड रेट। अगर आपकी जो पल्स रेट है वो कम से कम उतनी है जितनी आपकी डिमांड है, तो इसका मतलब ऑन डिमांड पेसमेकर अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि हमने कहा था कि कम से कम से नीचे अगर हार्ट रेट जाएगा तो ये वापस से उसको ऊपर कर देगा, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है क्लाइंट रिसीविंग कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग हो रही है, IV मेडिसिन चल रही है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, व्हाट डिसरिथमिया डज द नर्स कंक्लूड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग व्हेन द फॉलोइंग रिदम। इस रिदम को देखकर आप बताओ इन चारों में से कौन सा है। तो बताओ बच्चे, क्या इसमें वेंट्रिकुलर्स ऐसे 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 कर रहे हैं, अगर QRS कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होते तो हम बोल देते वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, ऐसे। और जब भी QRS कॉम्प्लेक्स इस तरीके से होते हैं उसे क्या कहा जाता है बताओ, उसे कहा जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फ्लटर। अब इसमें देखिए QRS की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बढ़ गई है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ना, फिब्रिलेशन तो नहीं है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि एट्रियल फ्लटर इस तरीके से होता है और QRS पूरा होता है, फिर इस तरीके से, फिर QRS पूरा, और एट्रियल फिब्रिलेशन में तो इस तरीके से होता है, फिर QRS, फिर इस तरीके से, फिर QRS, फिर इस तरीके से, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये एट्रियल फ्लटर है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो ये कौन सा बचा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। एक क्लाइंट है जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है इन अ कोरोनरी केयर यूनिट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन, की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे ही वो वार्ड में घुसेगा वो देखता है कि मरीज के मॉनिटर में, जैसे ही वो देखता है मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, याद रखना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशिएट डिफिब्रिलेशन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है डिफिब्रिलेशन दो ही कंडीशन में करते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दो ही कंडीशन जैसे ही आपको दिखती है सबसे पहले आप डिफिब्रिलेशन करना स्टार्ट करो। तो 67 का क्या आंसर जाएगा, सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्लाइंट विद MI, क्लाइंट को MI हो रहा है, इज इन कोरोनरी केयर यूनिट ऑन अ कार्डिक मॉनिटर, द नर्स ऑब्जर्व वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी ऑन द स्क्रीन। वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी यानी वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया हो रहा है, वेंट्रिकल से रिलेटेड डिसरिदमिया उसे हो रहा है, और याद रखना वैसे आपको याद होना चाहिए वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया में एक दवाई दी जाती है, वही ये पूछ रहा है विच मेडिकेशन शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर। वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया जब भी होता है एक मेडिसिन दी जाती है, और जो फर्स्ट डिजॉक्सिन नहीं होगा, सेकंड फ्लुजामाइड नहीं होगा, दो ऑप्शन इसके यहाँ पर है, एमियोड्रॉन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो याद रखना आंसर क्या जाता है, एमियोड्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली भी टारगेट हाई में पूछा जाता है, तो वो काफ़ी बार आपसे पूछेगा
वो पूछेगा वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया में कौन सी ड्रग दी जाती है, उत्तर सीधा जाएगा एम्योड्रोन। अम्योड्रोन, अम्योड्रोन वो ड्रग है जो वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया में दी जाती है उसको ठीक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं 68 तक। 69 से हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, 69 के बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। थैंक यू।